24 साल के लंबे इंतजार के बाद राजधानी का इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 3 टेस्ट मैच की मेजबानी कर चुके इकाना स्टेडियम में पहली बार T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहे हैं। शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में 8 नवंबर को भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। वहीं इस खबर के बाद लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। बता दें कि दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी की मेजबानी इकाना पहले ही कर चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। इसकी सूचना BCCI की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। लखनऊ का इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम करीब 71 एकड़ में बना हुआ है, जो कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। इस स्टेडियम में 1800 वर्ग फीट की 2 स्क्रीन लगी हैं, यानी आप इस मैदान के किसी भी कोने से मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा 40 VIP बॉक्स और 8 कॉर्पोरेट लॉन्च भी हैं। इतना ही नहीं, विश्व स्तरीय ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर और फ्लड लाइट इसे अन्य स्टेडियम से खास बनाती है। इकाना स्टेडियम में 9 पिच हैं, जो मुंबई और कटक से लाई गई मिट्टी से बनी हैं। इसी के साथ ही विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम से कुछ ही समय में बारिश का पानी बाहर निकल जाता है। यह स्टेडियम 50,000 दर्शक की क्षमता रखता है। साथ ही स्टेडियम परिसर में 5,000 टू व्हीलर और 1,000 फोर व्हीलर की पार्किंग सुविधा भी है। बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था और यह 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ था। इस स्टेडियम के निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आई थी। न्यूज़ टाइम्स के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।